डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन निषेचन। निषेचन वह प्रक्रिया है जिसके दौरान मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, अर्थात फर्टिलाइजेशन। इन विच प्रोसेस द मेल गैमेट प्रोन्यूक्लियाई एंड फीमेल गैमेट प्रोन्यूक्लियाई आर फ्यूज टुगेदर, दिस फिनोमेना नोन एज फर्टिलाइजेशन। प्रोन्यूक्लियाई टर्म यहाँ पर इसलिए काम में लेते हैं क्योंकि जो एक सामान्य सेल का जो केंद्रक होता है, उस केंद्रक की जो आकार आकृति होती है उससे भिन्न प्रकार की आकार आकृति होती है गैमेट जो है उसके न्यूक्लियस की। अर्थात फ्यूजन से पहले जो गैमेट का स्पर्म और ओवा का जो केंद्रक है वो अपनी आकार आकृति बदलता है, आकार आकृति बदल जाती है, इसलिए वहां पर ये टर्म काम में आती है प्रोन्यूक्लियाई। तो प्रोन्यूक्लियाई को अलग स्ट्रक्चर नहीं है, न्यूक्लियस ही है, लेकिन जो पर्टिकुलर न्यूक्लियस है उसकी आकार आकृति से भिन्न प्रकार का है वो, इसलिए ये टर्म काम में आती है प्रोन्यूक्लियाई। ठीक है, तो निषेचन वह प्रक्रिया जिसमें मेल और फीमेल गैमेट आपस में संलयित होते हैं, फ्यूज होते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन टू मैन इवेंट्स आर अकर्स, निषेचन के द्वारा दो इवेंट्स हैं या घटनाएं हैं वो घटित होती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली है एक्टिवेशन और दूसरा है एम्फीमिक्सिस। एक्टिवेशन मतलब सक्रियण। एक्टिवेशन का अर्थ यहाँ पर ये है कि जैसे ही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में संपर्क में आती है तो वो जो संपर्क मात्र है वो एक उद्दीपंगा काम करता है फीमेल गैमेट के लिए, अर्थात ओवा के लिए। मेल गैमेट का पीएम जब ओवा की पीएम से संपर्क करता है, कॉन्टेक्ट में आता है, तो वो संपर्क उद्दीपन का काम करता है और उस उद्दीपन के परिणाम स्वरूप जो ओवम है उसका एक्टिवेशन होता है, सक्रियण होता है, अर्थात अनेक बायोलॉजिकल क्रियाओं की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर जो एक्टिवेशन है वो टर्म आती है किसके लिए, ओवा के लिए, फीमेल गैमेट के लिए। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के दौरान फीमेल गैमेट का सक्रियण मेल गैमेट के संपर्क मात्र से होता है जिसके परिणाम स्वरूप आगे चलकर आवश्यक जो जैविक क्रियाएं हैं उनकी शुरुआत होती है। दूसरी घटना है एम्फीमिक्सिस, उभय मिश्रण। उभय मिश्रण का मतलब दो तरह के सेल है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, दोनों के अंदर जो कोशिका द्रव्य है उसका संलयन होता है, इसलिए इसको एम्फीमिक्सिस उभय मिश्रण। दो प्रकार के कोशिका द्रव्य का आपस में फ्यूजन, संलयन या मिक्सर होना, ये एम्फीमिक्सिस। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिक नीड्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। निषेचन की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, उसके बिना निषेचन पूरा नहीं होता है। तो बेसिक नीड्स के अंतर्गत पहली जो बेसिक नीड है वो है कि मेल और फीमेल गैमेट एक ही स्थान पर स्रवित किए जाएं, छोड़े जाएं, ये बेसिक नीड है। उसके बाद मेल और फीमेल गैमेट एक ही समय पर एक साथ छोड़े जाएं जिससे फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ सके। ठीक है, साथ ही साथ मेल गैमेट का फीमेल गैमेट तक पहुंचना अति आवश्यक है, इसलिए मीडियम निषेचन के लिए तीसरी जो बेसिक नीड है वो माध्यम का होना अति आवश्यक है। मीडियम जैसे फॉर एग्जांपल वे एनिमल्स जिनमें बाह्य निषेचन पाया जाता है वहां पर मीडियम का काम जो करता है वो जल, तो जल के माध्यम से मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचता है। और वे जंतु जिनमें निषेचन आंतरिक होता है अर्थात शरीर के अंदर होता है वहां पर जो माध्यम का काम है वो है करता है बॉडी फ्लूड प्लस मस्कुलर सेल्स, अर्थात मस्कुलर सेल्स और बॉडी फ्लूड की सहायता से मेल गैमेट फीमेल गैमेट अर्थात ओवा तक पहुंचता है। तो ये बेसिक नीड्स है जिसके आधार पर जो निषेचन है वो कंफर्म होता है, जो चाहे वो बाह्य निषेचन हो चाहे वो आंतरिक निषेचन हो। चौथी जो बेसिक नीड है वो ये है कि फीमेल गैमेट की अपेक्षा मेल गैमेट की संख्या अत्यधिक होनी चाहिए।
हजारों लाखों की संख्या में मेल गैमेट छोड़े जाने चाहिए जिससे निषेचन की प्रोबेबिलिटी अधिक हो सके, बढ़ सके, क्योंकि आपको पता ही है कि फीमेल गैमेट जो एक स्पर्मेटोगोनिया से चार स्पर्म बनते हैं या चार मेल गैमेट बनते हैं और एक ओगोनिया से एक ओवम बनता है, इसलिए ओवम की जो सरफेस एरिया है वो अत्यधिक है। दूसरा, फीमेल गैमेट के अंदर साइटोप्लाज्म की मात्रा कम होने के कारण उसका लाइफ स्पान या जो उसकी एज है, उम्र है, वो बहुत कम होती है, छोटी होती है। इसलिए अत्यधिक मात्रा में मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट के पास एक ही समय पर एक साथ छोड़े जाएंगे तो निषेचन की जो प्रायिकता है, निषेचन होने की जो प्रायिकता है वो बढ़ जाएगी। तो ये बेसिक नीड्स है निषेचन के लिए। अब है टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये इस आधार पे निषेचन दो प्रकार का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अर्थात वो निषेचन जो शरीर के बाहर होता है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो जो कि शरीर के अंदर होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन फ्रेश वाटर और इन मैराइन वाटर। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर मुख्य रूप से हम अगर बात करें एनिमल्स की, दो फिशेज दोनों प्रकार की, बोनी और कार्टिलेजिनियस एम्फीबियंस और एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स जो जल में रहते हैं, वो चाहे फ्रेश वाटर बॉडी में या मैराइन अर्थात ओशियंस में जो रहते हैं समुद्रों में, तो उनके अंदर फर्क है, अंतर है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में निषेचन जो है वो शरीर से बाहर होता है, तो मेल और फीमेल के द्वारा एक साथ एक ही समय पर हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में गैमेट छोड़े जाते हैं। और कई बार तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आपने देखा होगा टीवी के अंदर जो जियोग्राफिक चैनल है या आपकी जो डिस्कवरी साइंस है उसमें देखा होगा कि समुद्र के अंदर क्लाउड्स ऑफ मेल गैमेट्स, बात मतलब गैमेट्स फीमेल और मेल गैमेट्स के बादल इतने अधिक एक साथ छोड़े जाते हैं जिससे उनकी प्रायिकता निषेचन की बढ़ सके, क्योंकि आपको पता है कि वाटर के अंदर उनके एनिमीज जो प्रीडेटर बहुत अधिक होते हैं और वो जो गैमेट है वो बहुत छोटे हैं, तो इसलिए उनके डेथ होने की जो प्रायिकता बहुत अधिक है, इसलिए अधिक मात्रा में छोड़े जाते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वे जंतु जो फ्रेश वाटर बॉडी में रहते हैं, जो फ्रेश वाटर बॉडी के एग्जांपल आप लेक्स ले लीजिए, फाउंटेन्स ले लीजिए, रिवर्स ले लीजिए, पॉन्ड्स ले लीजिए, तो इनके अंदर जो रहने वाले एनिमल है उन एनिमल्स जैसे लोअर एनिमल्स और इसके अलावा फिशेज एम्फीबियंस और एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट, इनमें मेल और फीमेल के द्वारा एक साथ एक ही समय पर बहुत अधिक गैमेट मेल और फीमेल गैमेट छोड़े जाते हैं जिसके कारण निषेचन की प्रायिकता बढ़ जाती है। वे एनिमल जो मैराइन वाटर में अर्थात ओशियंस में समुद्र में पाए जाते हैं उनमें फीमेल के द्वारा फीमेल गैमेट के साथ ही साथ स्पेसिफिक केमिकल्स या विशिष्ट रासायनिक पदार्थ छोड़े जाते हैं और उन विशिष्ट रासायनिक पदार्थों के प्रभाव से या उनके इम्पैक्ट से सजातीय जो फीमेल है वो एग लेइंग करना शुरू कर देंगी अर्थात फीमेल गैमेट देना शुरू कर देंगी, साथ ही साथ सजातीय मेल उन रासायनिक पदार्थों के प्रभाव से मेल गैमेट छोड़ना शुरू कर देते हैं। ये अंतर है फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर एनिमल्स जिनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, ये मेन डिफरेंस है। मैराइन एनिमल्स जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है उनमें फीमेल्स अंडों के साथ या ओवा के साथ विशिष्ट रासायनिक पदार्थ भी छोड़ती हैं, उनके प्रभाव से सजातीय फीमेल्स अंडे देना शुरू करती हैं और सजातीय मेल जो मेल गैमेट देना शुरू करते हैं, ये दोनों में अंतर है। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ओवावीर पेरस एनिमल्स और विवीपेरस एनिमल्स अर्थात वे जंतु जिनके में डेवलपमेंट मोस्टली जैसे हम उनमिंग की बात करें, मेमल्स की हम बात करें तो भ्रूण का जो परिवर्तन है वो शरीर के अंदर होता है, अर्थात इसके अंदर जो मीडियम है इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मीडियम का जो काम करेगा वो बॉडी फ्लूड प्लस मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मीडियम का काम करेगा जल, क्योंकि जल में रहते हैं वो, तो जल में वो
मूवमेंट करके मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंच जाएगा। इसमें अगर एग्जांपल की हम बात करें यूरोडेल्स, एम्फीबिया का ऑर्डर है यूरोडेला, तो यूरोडेल्स एनिमल्स के अंदर जो निषेचन पाया जाता है जो स्थान है वो है लोअर पार्ट ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट के निचले भाग में निषेचन होता है। इसी तरह रेप्टाइल्स एवीज एंड मेमल्स, इनके अंदर फेलोपियन ट्यूब जो ओविडक्ट का ऊपरी भाग है अर्थात जस्ट आफ्टर पार्ट ऑफ ओवेरी से ओविडक्ट निकलती है वो भाग कहलाता है फेलोपियन ट्यूब, अर्थात ओविडक्ट के ऊपरी भाग में निषेचन होता है रेप्टाइल्स एवीज एंड मेमल्स के अंदर। इसके अलावा गैम्बूसिया, आपको मछली सबको पता है गैम्बूसिया जो मच्छर के लार्वा को खाने वाली मछली है, गैम्बूसिया है, हेट्रिंड्रिया है, एरिकुलस है, इन एनिमल्स के अंदर ओवेरियन फोलिकल्स के अंदर निषेचन होता है अर्थात वो सेल जो कि परिवर्तित हो रहे ओवम को भोजन प्रदान करने का काम करती है वहां पर ये निषेचन होता है। इस तरह से हमने बात की एक सिंपल इंट्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन के बारे में, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। थैंक्स।